मोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मेरा विप्रो में लिया है मैंने 80 शेयर 600 रुपए में, ठीक है, विप्रो, और 76 रुपए में लिए हैं, लॉस हो रहा है बहुत। जी जी ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मंदार, आप सजेस्ट करिए विप्रो में क्या करें। इन्होंने 600 रुपए के आसपास ये स्टॉक लिया था, 80 शेयर्स लिए थे विप्रो के। अभी क्या करें, नुकसान काफी हो रहा है। कब तक इनको थोड़ा बहुत रिकवरी दिख सकती है, कितना समय के बाद इनको इनके लेवल्स दिखाई देंगे चार्ट्स पे, आपको क्या लग रहा है विप्रो पर? देखिए, विप्रो पिछले 8-10 महीनों का अगर चार्ट देखते हैं तो वीकनेस तो इस स्टॉक में है ही, प्लस शॉर्ट टर्म अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 384 के लेवल्स पे, वो स्टॉक ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी भी उसी लेवल के नीचे है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स यानी 384 के नीचे जब तक ये स्टॉक ट्रेड करेगा तब तक इसमें वीकनेस बनेगा। एक ही बात है कि ये लेवल्स पे इसमें जो बिकवाली है उसमें बढ़िया बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिखने को मिल रहे, तो इसलिए शायद ऐसे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक दे जाए। तो मेरी राय तो रहेगी कि 370 के स्टॉप लॉस से फिलहाल तो होल्ड कीजिए, और ये स्टॉप लॉस इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये जो लेवल है यानी ये स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो स्टॉक 330 रुपए तक नीचे गिर भी सकता है, तो इसलिए 370 के स्टॉप लॉस तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगर 384 के ऊपर का बाउंस बैक मिलता है तो ये स्टॉक ऊपर में 420 से लेके 450 के ऊपर की लेवल्स जो है वो दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में ही, तो ये लेवल थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है, 370 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, तो मोहन जी यहाँ पे काफ़ी नुकसान आपको पहले ही हो चुका है, पर अभी 370 का स्टॉप लॉस बना के रुके रहिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी बिकवाली ऑलरेडी हमने देख चुकी है, पर 370 का लेवल एक देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, तो फिलहाल आपको होल्ड करने की ही राय है। हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉक एक फिर से बाउंस बैक ज़रूर दिखाए।